ओडिशा सरकारी आयुर्वेदिक चिकित्सक संघ पक्षरु तीन जन आयुर्वेदिक चिकित्सकंकु विदायकालीन संवर्धना प्रदान। विदायी डाक्तरों कार्यधारा अन्यमानंकु सबुबेले प्रेरणा देउथिबो बोली कहिले अतिथि। ओडिशा सरकारी आयुर्वेदिक चिकित्सक संघ बा ओजीपीए पक्षरु अवसरप्राप्त जिला आयुर्वेदिक चिकित्सक डाक्तर अजय कुमार सेंड, डाक्तर सुभद्रा बेहरा और डाक्तर पुष्पराज मंत्री को विदायकालीन संवर्धना प्रदान करा जायछि। आयोजित कार्यक्रम में संघर बालेश्वर शाखा सभापति डॉक्टर अनिल कुमार दास सभापतित्व करथिले। डॉक्टर अजय संध आमर एक्स डीएम थिले, से आमर अफसर थिले एवं ता पर से रिटायर्ड कले। बहुत माने अमायिक लोक से समय सब डाक्तर बहुत खुशी थे। बर्तमान जो डीएम से बहुत भी भल लोक डॉक्टर प्रशांत नंद, बहुत भल लोक से भद्र लोक भी। द्वितीय तो रही सुभद्रा बेहरा अमलकोट में बहुत घात प्रतिघात भेत से जो कार्य निर्वाह कर। तृतीय तो सार्थार थे डॉक्टर पुष्पराज मंत्री, बहुत सुंदर भाव से ड्यूटी कर भल प्राक्टिसनर आयुर्वेद जगत को अवदान बहुत। तेणु आज से तीन जन उद्देश्य जो फेयरवेल मीटिंग ऑर्गेनाइज कर। डीएसएसओ डाक्तर प्रशांत नंद उद्घाटन करथिबा बेले डाक्तर पूर्णचंद्र जेना एथिरे मुख्य अतिथि भाव जोगदेई कार्यरु अवसर नेबा किंबा गोटे स्थानरु अन्य एक स्थानकु बदली हेबा जीवनर धारा अटे बोली कहिथिले। तेबे जणे व्यक्तिर कार्यधारा आचार व्यवहार ही सर्वदा स्मरणीय होइ रहिथाय बोली से कहिथिले। ए क्षेत्रे तीन जण विदायी डाक्तर अन्यमानको पई प्रेरणा होइ रहिबे बोली डाक्तर जेना मत प्रकाश करथिले। आयुर्वेद विकास मंचर संपादक हिमांशु शेखर दास एथिरे मुख्य वक्ता भाव जोगदेई चाकिरी कार्यकाल मध्यरे तीन जन चिकित्सकों निष्ठापूर्ण कार्यधारा समयानुवर्तिता तथा सहयोगी मनोभाव अन्यमानंकु सबुबेले प्रेरणा देउथिबो बोली कहिथिले। डाक्तर निरंजन ओझा, डाक्तर परेश आचार्य, डाक्तर अशोक दास, डाक्तर त्रिलोचन धळ प्रमुख एथिरे जोगदेई वक्तव्य प्रदान सह विदायी डाक्तरों निरामय जीवन कामना करथिले। Secretary for more than 15 years.
During his tenure, he has arranged so many doctors meet and viewers get together and Dhanvantari Puja nicely. He is very close. I am friends to him. ଏହି ଅବସରରେ ତିନି ଜଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ, ଉତ୍ତରୀୟ, ଉପଢୌକନ ଓ ମାନପତ୍ର ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ଅବସରରେ ଡାକ୍ତର ଅଜୟ କୁମାର ସେଣ୍ଡ, ଡାକ୍ତର ସୁଭଦ୍ରା ବେହେରା ଓ ଡାକ୍ତର ପୁଷ୍ପରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ଚାକିରି ଜୀବନର ଅନୁଭୂତି ଓ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ମନୋଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ଡାକ୍ତର ରାଜୀବ ଲୋଚନ ମାଝୀ ଅତିଥିଙ୍କୁ ମଞ୍ଚ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଡାକ୍ତର ଜୟନ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଡାକ୍ତର ମୁଦାସୁଲ ଅଲି, ଡାକ୍ତର ଅଶୋକ କୁମାର ଦାସ, ଡାକ୍ତର ତପସ୍ୱିନୀ ମିଶ୍ର, ଡାକ୍ତର ସବ୍ୟସାଚୀ ମଣ୍ଡଳ, ଡାକ୍ତର ସୀତାଂଶୁ ପ୍ରଧାନ, ଡାକ୍ତର ସିପ୍ରା ଦାସ, ଡାକ୍ତର ରବି ବେହେରା, ଡାକ୍ତର ଦୁର୍ଗେଶ ନନ୍ଦିନୀ ବାସ୍କେ, ଡାକ୍ତର ସରିତା ରାୟ, ଡାକ୍ତର ଚିନ୍ମୟ ଆର୍ଯ୍ୟ, ଡାକ୍ତର ଯତ୍ମାମୟୀ ମହାରାଜାଙ୍କ ସମେତ ଆୟୁର୍ବେଦ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।